हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किन YouTube चैनल को 10 दिसंबर के बाद YouTube डिलीट कर देगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील कुमार चौहान। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे टेक्नोलॉजी सुनील चैनल में। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले YouTube ने हर यूट्यूबर को एक जीमेल भेजा था। जीमेल में लिखा था कि चेंजिंग टू YouTube's टर्म ऑफ सर्विस। तो दोस्तों, इस अपडेट में YouTube ने छोटी सी लाइन में लिख दिया था कि जिन YouTube चैनल से YouTube को पैसा कमाई नहीं होगा, उन चैनलों को 10 दिसंबर के बाद YouTube डिलीट कर देगा। और ये भी लिखा था कि किसी भी यूट्यूबर से ये नहीं पूछेगा कि आपका चैनल डिलीट किया जाए कि नहीं किया जाए, 10 दिसंबर के बाद उसकी मर्जी चलेगी YouTube की। तो दोस्तों, जो नए यूट्यूबर हैं जिनका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है, वो लोग थोड़ा टेंशन में हैं कि मेरा जो चैनल है मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है, तो 10 दिसंबर के बाद क्या मेरा चैनल यूट्यूब डिलीट कर देगा? क्या मेरा जो चैनल है मोनेटाइजेशन तो इनेबल हो गया है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो पे व्यूज कम आ रहा है, वीडियो देखने वाले कम आ रहा है, तो क्या 10 दिसंबर के बाद मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर देगा? क्या मैं 10 दिसंबर के बाद कोई नया यूट्यूब पर चैनल बनाता हूँ और चैनल बनाता हूँ तो मेरा जो चैनल है मोनेटाइजेशन इनेबल करेगा कि नहीं करेगा यूट्यूब? ये सारा जो नए यूट्यूबर है उनके माइंड में ये घूम रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है पूरा क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर, चाहे 4000, उस टाइम पूरा नहीं हुआ है और 10 दिसंबर आने वाला है, तो दोस्तों आपका जो चैनल है यूट्यूब कभी भी नहीं डिलीट करेगा। दोस्तों, जैसे आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे और 4000 वॉच टाइम पूरा होगा, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो चैनल है मोनेटाइजेशन यूट्यूब इनेबल कर देगा। वीडियो की जो क्वालिटी है अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है, समझ लीजिए, और वीडियो डाल रहे हैं तो वीडियो पे व्यूज कम आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपका चैनल 10 दिसंबर के बाद डिलीट कर देगा? नहीं करेगा दोस्तों, यूट्यूब ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। आप ध्यान से रखिए कभी भी ये बात पे कि आपका चैनल कभी भी डिलीट यूट्यूब नहीं करेगा। आप वीडियो में कुछ भी उल्टा सीधा ना बताइए, ठीक है? अब बात करते हैं कि 10 दिसंबर के बाद कोई नया चैनल बनाता हूँ यूट्यूब पर, तो चैनल आगे जाकर फ्यूचर में मोनेटाइजेशन इनेबल होगा कि नहीं होगा? दोस्तों, अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी, नॉलेज दे रहे हैं वीडियो पे, तो आपका जो चैनल है 100% यूट्यूब मोनेटाइजेशन इनेबल करेगा। अब दोस्तों, लास्ट में आते हैं कि किन चैनलों को YouTube 10 दिसंबर के बाद डिलीट कर देगा। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को बताता हूँ, आपने एक YouTube पर चैनल बनाया, ठीक है, उस पर चैनल पे वीडियो डाल रहे हो, वीडियो डालने के बाद दोस्तों वीडियो पे व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर धीरे धीरे आपका पूरा हो गया 1000, और 4000 वॉच टाइम भी आपका पूरा हो गया। अब दोस्तों, अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो यूट्यूब को। दोस्तों, जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यूट्यूब का जो टीम होते हैं आपका चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपका चैनल को मोनेटाइजेशन इनेबल किया जाए कि नहीं किया जाए, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उस पर ऐड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उसके बाद दोस्तों, आपका चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए आप यूट्यूब इनेबल करने के लिए सोचता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है अच्छी नहीं है, समझ लीजिए खराब है, कुछ किसी वजह से आपका जो चैनल है मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं करता है यूट्यूब, तो आप क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं कि यार आगे जाके फ्यूचर में मेरा चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। अब अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हो उसी चैनल पे, और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, वीडियो पे व्यूज भी आ रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। अब दोस्तों, आप किसी चीज़ का स्पॉन्सर कर रहे हो, आप देखे होंगे कि किसी कोई यूट्यूबर ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर बाया है, किसी वेबसाइट के बारे में बता देते हैं, किसी ऐप के बारे में बता देते हैं, किसी सामान के बारे में बता देते हैं, कंपनी का प्रचार कर देते हैं, तो जो कंपनी का प्रचार करते हैं उस कंपनी के तरफ से उनको पैसा मिलता है, समझ लीजिए। मान लीजिए किसी वेबसाइट का आप बारे में बता रहे हैं तो वो वेबसाइट आपको पैसा दे रही है, तभी ना बता रहे हैं, तो उनकी जो है कमाई हो रही है, उनकी जो है दुकान चल रही है अच्छी खासी। अब उसमें YouTube को बिल्कुल फायदा नहीं है, समझ लीजिए बिल्कुल फायदा नहीं है, तो उन चैनलों को YouTube 10 दिसंबर के बाद डिलीट कर देगा। ध्यान दीजिए, उन चैनलों को 10 दिसंबर के बाद YouTube डिलीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको सीधे तरीके में मैं बताऊँ,
आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी में जितने भी आप लेबर हैं, जितने भी हैं, उनमें से आप जो काम कर रहे हैं उस काम से कोई कंपनी का फायदा नहीं है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, आपको सीधे निकाल देगी, कहेगी आपसे 1 रुपया का फायदा नहीं है, यही कहेगी ना, तो आपको निकाल देगी। सेम इसी तरीके से YouTube भी कर रहा है। अगर 1 रुपये का YouTube को फायदा नहीं होगा तो आपका चैनल 10 दिसंबर के बाद डिलीट कर देगा। तो दोस्तों, आपका जो माइंड में डाउट था वो पूरा क्लियर हो गया हुआ इस वीडियो से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट कीजिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।